नमस्कार बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के तीसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 6 लेन नेशनल हाईवे 9 से अब जनता का सफर आसान होगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी सोमवार को अपनी सबसे सस्ती एसयूवी कार एस्प्रेसो को लॉन्च करने जा रही है। मारुति की तरफ से मिनी एसयूवी उस समय लॉन्च की जा रही है जब देश के ऑटो मार्केट की मांग में गिरावट देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 दिन से चल रही नरमी का सिलसिला सोमवार को टूट गया और भाव में फिर से तेजी दर्ज की गई। सऊदी अरामको के 2 प्लांट पर पिछले दिनों हुए ड्रोन हमले के बाद एशियाई बाजार के साथ घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल के भाव में उठापटक देखी जा रही है। भारतीय रेलवे नवरात्र में अष्टमी यानी 5 अक्टूबर से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए बताया कि नई दिल्ली कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से चलाई जाएगी। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का इनिशियल पब्लिक ऑफर सोमवार 30 सितंबर को खुल रहा है। कंपनी इस आईपीओ से 645 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। यह ऑफर 3 अक्टूबर को बंद होगा और इसका प्राइस बैंक 315 से 320 रुपए रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।